दोस्तों बहुत से लोगों को मुंह से दुर्गंध आने की शिकायत होती है, यानी कि बैड स्मेल की शिकायत। और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम लोग हमेशा बहुत अच्छा खाना पीना रखते हैं, हम लोग बहुत साफ सुथरे और हाइजीनिक रहते हैं, हम अपना काफ़ी ख्याल रखते हैं, सुबह रोज़ाना ब्रश करते हैं, अरे भैया रात को भी ब्रश करके सोते हैं, दो टाइम ब्रश करते हैं दिन में, फिर भी उनको हमेशा मुंह से दुर्गंध आने की शिकायत होती है, एक बैड स्मेल की शिकायत होती है, किसी के सामने खुलकर हंस भी नहीं सकते, लगता है कि कहीं उसको हमारे मुंह की दुर्गंध ना आ जाए। और आखिर कई बार लोग टोक ही देते हैं कि यार तुम्हारे मुंह से बड़ी अजीब सी बदबू आ रही है, और काफ़ी शर्मिंदगी होती है। तो फिर इस बैड स्मेल का क्या करें, क्या है इसका उपाय, ताकि आप इस एम्बैरसमेंट से दूर रहें और जो लोग अक्सर आपको टोक देते हैं उस एम्बैरसमेंट और उस शर्मिंदगी से आप बच जाएं। तो दोस्तों इसका इलाज भी आपके किचन के अंदर मौजूद है, आप उसे इस्तेमाल करें और जो आपके मुंह की दुर्गंध की शिकायत है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो करना क्या है, तो दोस्तों इसके लिए आपको लेना है एक इलायची और एक लौंग, यानी कि एक छोटी इलायची और एक लौंग को ले लीजिए और उसको अपने डाढ़ में यानी कि पीछे के दांत में दबा लीजिए, और उसको आप चबाए नहीं बल्कि धीरे धीरे आप चूसते रहें। जी हाँ, आराम से आप चूसते रहें, उसको चबाने की कोई ज़रूरत नहीं, उसे बहुत आराम से आप चूसें, लंबी देर तक ख़त्म होने दें, ऐसा नहीं कि आपने जैसे मुंह में डाला तुरंत चबा के आपने ख़त्म कर दिया, नहीं, आराम से लंबे तौर पर आप चूसें उसे, ताकि जो छोटी इलायची और लौंग का जो रस है वो रस आपके पूरे मुंह में अच्छे से घूम के सर्कुलेट होके आपके मुंह में अच्छे से फैल जाए। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन माने मात्र सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही जो आपके मुंह से दुर्गंध आने की शिकायत है वो आपके आसपास लोगों को बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपके जो मुंह की बैड स्मेल है, दुर्गंध है, बिल्कुल रुक जाएगी। तो ये थे टेम्प्रेरी इलाज। और आप कहें कि भाई इसको परमानेंट कैसे करें, तो इसका करने का तरीका यह है कि आप यही चीज़ दिन में करीब 3 से 4 बार करें, और ऐसा जब तक करें जब तक कि आपकी शिकायत दूर ना हो जाए। जब आपकी शिकायत दूर हो जाए मुंह से दुर्गंध आने की, फिर आप भले ही आप चाहें तो इसको छोड़ दीजिए, बीच बीच में कभी कभार जब मन करे तो आप कर लीजिए। तो इस तरह से आपके जो मुंह की दुर्गंध आने की शिकायत है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। इस नुस्खे की अच्छी बात यह है कि ना केवल ये आपके मुंह की दुर्गंध दूर करेगा बल्कि कई बार आपके पेट की समस्या के वजह से भी आपके मुंह में दुर्गंध आती है, उस समस्या को भी जड़ से मिटाएगा। फिर चाहे आपके मुंह की प्रॉब्लम हो कोई भी, आपके दांतों की मसूड़ों की कोई भी प्रॉब्लम हो, यानी कि आपके मुंह के चाहे कैसे भी प्रॉब्लम हो, उन सभी प्रॉब्लम्स के लिए लौंग एक बहुत ही गजब की दवा है। और जो हमारी इलायची होती है वो आपके हाजमे को इंक्रीज करने के लिए, आपके हाजमे को, पाचन तंत्र को अच्छा करने के लिए बहुत काम की चीज़ है। और अगर आप इन दोनों को एक साथ, इस कॉम्बिनेशन को अपने मुंह में दबा के रखते हैं तो आपके जो मुंह की जो भी दुर्गंध की शिकायत है वो बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो दोस्तों ये है आज का सटीक और सरल उपाय। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे नीचे आके हमें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। दोस्तों आप सभी ने मुझे अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।